85% स्टूडेंट्स इस बार ग्रुप वन में फेल हुए हैं। अब तक का बहुत बेकार रिजल्ट आया है ग्रुप वन का, और हमारे पास 60 to 70 डेज है। अभी हम ऐसा क्या करें कि हम पास हो जाएं? अगर ये वीडियो तुम तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला चाहता है कि Jan 25 तुम्हारी लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट हो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक उम्मीद है कि भाई एक बार लास्ट टाइम ट्राई कर लेता हूँ। और अगर तुम इस वीडियो को लाइक कर रहे हो यानी कहीं ना कहीं Jan 25 में तुम पास हो रहे हो। क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग आई विल गाइड इन दिस वीडियो। अपने एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, एक रफ पेज लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें लिखिएगा ताकि दोबारा से वीडियो देखना ना पड़े। ओके, सबसे पहले तो तुम्हें गिफ्ट भी मिलने वाला है जिसमें अराउंड 400 पेज का दीपावली बोनस मैंने तुम्हारे लिए रेडी किया है, जिसमें तुम्हारे लिए सारी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने Jan 25 एंड May 25 के अकॉर्डिंग पूरे सेट किए हैं। और तकरीबन इसमें बहुत मेहनत लगी है, 400 पेजेस अराउंड में ये PDF है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले स्ट्रेटजी को समझो, कैसे क्या करना है, एवरीथिंग आई विल गाइड। ओके, तो देखो यार, हमें 60 to 70 डेज मिलेंगे अभी, जिसमें ये मान के चलता हूँ कि भाई तुम्हारा नॉर्मल लॉस जो है 10% हो गई होगा और तुम 60 डेज इफेक्टिव वे में पढ़ने वाली हो। ओके, और हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो डिवाइड बाय अगर हम 3 करें, वी हैव 20 डेज पर सब्जेक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये आना चाहिए कि सर हमारे पास 20 डेज है एक सब्जेक्ट के लिए, क्या मैं कर सकता हूँ? भाई 100% तुम कर सकते हो अगर तुम करना चाहते हो तो। अगर तुम सच में इस बार Jan 25 करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि DT की फ्री सीरीज में आपको देने वाला हूँ। वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट। दीपावली की पूजा करने जा रहा हूँ 125,000 मंत्रों के साथ, उसका हवन भी होगा। आप सभी को दिल से गॉड ब्लेस यू बोलूंगा कि भगवान ये इनकी जिंदगी का एक गिफ्ट दे दो कि इनको इनका रिजल्ट दे दो। Jan 25 तुम्हारी लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, 100% फुल डेडिकेशन के साथ इस बार विदाउट एक्सक्यूज 100% देना है, पूरी शिद्दत से देना है, पूरी मेहनत से देना है, और इस बार 100% पास करना है। तो सर हमें 20 डेज में कैसे पढ़ना है, आई विल गाइड यू, एवरीथिंग आई विल गाइड। ओके, तो हम कितनी देर पढ़ेंगे, एज्यूम करके चल रहा हूँ कि देखो तुम अभी गंदे मार्क्स से पास हुए हो, 110-120 ऐसे मार्क्स तुम्हारे आए होंगे, एटलीस्ट मैक्सिमम 140 आए होंगे, ठीक है? और कुछ बच्चों के तो 146-148 पे भी फेल हो गए, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें पास होना चाहिए था। इस बार का रिजल्ट बहुत खराब आया, लेकिन देखो यार एक तरीका है, हम ब्लेम करेंगे ISI खराब है, टीचर खराब है, पेरेंट्स खराब है, एक्सेप्ट करो मुझ में गलती है, कहीं ना कहीं मेरा प्रैक्टिकल खराब है, या तो थ्योरी खराब है, या तो कहीं ना कुछ कमी रह गई है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आया। इस बार कसम खाओ, माँ से प्यार करते हो तो माँ की कसम खाओ, सर मम्मी की कसम खाता हूँ, सर मैं अपनी मम्मी की कसम खाता हूँ, इस बार मैं विदाउट एक्सक्यूज 100% अपने बच्चों को दूंगा, या तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा या तो तुम्हें रिजल्ट ला के दूंगा। अगर तुम्हें भी अपने रिजल्ट से प्यार है तो अपनी मम्मी कसम खाओ, कमेंट बॉक्स में जाना और लिखना मम्मी कसम है कि इस बार मैं अपना 100% दूंगा और सीए रिजल्ट लूंगा, इस बार मैं अपना 100% दूंगा और सीए रिजल्ट लूंगा, मम्मी कसम इस बार 100% दूंगा सीए रिजल्ट लूंगा। सर मम्मी कसम मत दो, क्यों भाई, डर लग रहा है, डर लग रहा है कि कसम टूट ना जाए, मर जाओ यार, इससे अच्छा कसम टूटने से अच्छा अपनी माँ के लिए शहीद हो जाओ इस बार, और इस बार चेहरा अपना दुनिया को तब दिखाना जब रिजल्ट आ जाए। बिना रिजल्ट आए ना एक भी सेकंड अपना वेस्ट नहीं करना है, याद रखना इस बात को, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना मम्मी कसम खाता हूं इस बार रिजल्ट लाऊंगा अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के प्राउड के लिए, मुझे 100% करना है विदाउट एक्सक्यूज। ओके, तो सर मैं एज्यूम करके चलता हूं कि तुम 6 to 8 आवर्स मिनिमम जो है कंट्रीब्यूट करोगे। अगर तुम 6 आवर्स पढ़ते हो तो अराउंड 120 आवर्स तुम पढ़ने वाले हो, और 6 आवर्स वालों को देखो मैं गारंटी नहीं दे सकता पास होने की, लेकिन हाँ तुम अगर 8 आवर्स पढ़ने वाले हो तो तुम्हारे पास 160 आवर्स हैं पढ़ने के लिए। अब 160 आवर पर सब्जेक्ट अगर तुम करने वाले हो, ध्यान सुनना, तो 160 आवर्स जब तुम करोगे पर सब्जेक्ट, तो जिसमें कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूँ 100 आवर्स तुम्हारा होना चाहिए स्टडी टाइम, राइट? और साथ में तुम्हारा 30 आवर्स होना चाहिए रिवीजन, और नेक्स्ट जो तुम्हारे पास 30 आवर्स यहाँ पे दिख रहे हैं ये होना चाहिए तुम्हारा टेस्ट प्रैक्टिस। अब इसके लिए बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा, भाई अटेम्प्ट दे रहे हैं, अटेम्प्ट दे रहे हैं, अटेम्प्ट दे रहे हैं। मैंने तो बहुत सारे बच्चों के फेल होने की एक वजह देखी, बोध ग्रुप देना। तुम साफ साफ पूछ लो अपने टीचर से जो तुम्हें जानता है उससे कि भाई मुझे बोध ग्रुप देना चाहिए नहीं देना चाहिए, जिस पे तुम रिलाई करते हो, फिर दूसरे से मत पूछना प्लीज़। मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मेरा दोस्त ये कह रहा है, अरे जब दोस्त कह रहा है तो उसकी बात सुन ले या टीचर की बात सुन ले, दोनों की बात क्यों सुननी है? एक एक पे भरोसा, एक रिजल्ट, एक पे भरोसा, एक बाप की औलाद।
कह दिया तो कह दिया, करके दिखाना यार। बहुत तक हो गया एक्सक्यूज यार, आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। नहीं, अभी मतलब अभी अगर तुम 100% पैशनेट हो ना पास होने के लिए, अगर तुम 100% सीरियस हो ना पास होने के लिए, तो बस कर जाओ यार। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, नोट्स भी दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दूंगा, जो भी हो सकता है दूंगा, लेकिन इस बार तुम्हें रिजल्ट लाना यार। इस बार मैं खुद को पनिशमेंट दे रहा हूँ स्पेशली कि बेटा इस बार अगर तेरा बच्चा एक भी फेल हो गया ना तो पढ़ाना छोड़ दिया यार। टीचर 5-5 हज़ार बच्चे बैच में पढ़ा रहे हैं, जिसमें से 4,500 बच्चे फेल हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट दिखा रहे हैं 200-300 बच्चों का। जो फेल हुए उसके बारे में कोई टीचर नहीं बोलेगा। मैंने तो यही सोचा यार, अगर बच्चा फेल हो तो तुम रिजाइन कर दो यार टीचिंग से, तुम्हारी वजह से उस बच्चे का लॉस हो रहा है जो सीरियस है। कुछ तो होते हैं ना लाइक, उनका तो कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन सीरियस स्टूडेंट कभी भी कोई फेल ना हो। दिस इज माय कमिटमेंट टू माय साइड, जिस दिन ऐसा हुआ आज के बाद से आई विल रिजाइन फ्रॉम टीचिंग। तो भाई ये करके तुम्हें चलना है, ठीक है, ये करके तुम्हें चलना है। अब देखो यार, मेरे भी बहुत सारे अच्छा रिजल्ट आया अभी। अब उसमें क्या है, ग्रुप वन का मैंने भी कॉम्बो बनाया था भाई। देखो ग्रुप वन की फीस 30,000, एक नॉर्मल बच्चा कैसे ज्वाइन करेगा? सर रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन 30,000 रुपये पेरेंट्स से कैसे मांगे? 30,000 बच्चे कैसे ला के दे? पेरेंट्स से बोलने में भी शर्म आती है कि सर बैच ज्वाइन करना है, सर मम्मी पापा पढ़ना है, सर फीस तो बहुत अच्छी है, हमें पढ़ना भी है, पास भी होना है, लेकिन इतने पैसे नहीं है सर हमारे पास, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए सर, हमें रिजल्ट चाहिए। तो आपके लिए जो फीस आपको 27,500 दिख रही है, सिर्फ आपके लिए 31 अक्टूबर एक दिवाली ऑफर आपको दे रहा हूँ मैं, जिसमें आपकी हार्ड बुक्स आपको मिलेगी, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे एज पर यू, कि तुम्हें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, एवरीथिंग आई विल गाइड तुम्हें। इसी के साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी करवाऊंगा मैं, प्लस पर्सनल चैटिंग ओपन करके दूंगा, जिसमें आप और मैं पर्सनल डेली बेसिस पर टॉक करेंगे। प्लस इसके साथ साथ मैं तुम्हें देने वाला हूँ इसके साथ जूम सेशन, मोटिवेशन एंड गाइडेंस के 2 जूम सेशंस इन अ वीक देने वाला हूँ। सर इसकी फीस क्या होगी? सर आपकी फीस तो 27,500, आप 50% भी देते पैसे का है। मैं सिर्फ आप में से 50 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, 50 स्टूडेंट्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। पहले तो आपकी मार्कशीट लूँगा, उसके बाद मैं पूछूंगा आप कितने घंटे पढ़ पाओगे, उसके बाद मैं आपसे कमिटमेंट लूँगा। इफ़ यू एग्री ऑल द थिंग्स देन यू कैन इनरोल विथ मी, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ विघ्नहर्ता सुपर 30 बैच। विघ्नहर्ता मतलब होता है भगवान गणेश, कि उनके बाद कोई चीज़ इम्पॉसिबल होती नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर तुम 100% सीरियस स्टूडेंट्स हो और तुमने ठान लिया कि भाई ये मेरी जिंदगी का लास्ट अटेम्प्ट है और मैं पास होकर मतलब थक गया हूँ, अब इस बार सिर्फ पास होना है, ये बेस्ट तुम्हारे लिए। अगर मुझे लगा कि यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन, देन ओनली यू कैन ज्वाइन। और ये सीट मैं सिर्फ और सिर्फ 50-100, 50-100 में आपको दे रहा हूँ, जिसकी फीस आपको ये देनी थी। और बैच 5 नवंबर से आपका शुरू हो जाएगा, तब तक आपकी बुक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, मैं आपको पर्सनल कॉल करके चैट करके गाइड कर दूंगा कैसे क्या करना है। उसके बाद आपके हिसाब से समझ के कि भाई तुम्हारा थ्योरी में ज़्यादा टाइम देना है, प्रैक्टिकल में ज़्यादा टाइम देना है, तुम्हारी चीज़ें क्या है, सबको समझ के मैं करवा दूंगा। ये ग्रुप वन के लिए है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 50-100 फीस है, डेट सिर्फ 31 अक्टूबर है। कैसे ज्वाइन करना है, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे 9354719404। सब कुछ सर वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, जी वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। सर हमें कुछ भी नहीं आता, हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे अराउंड 6 to 8 hours कम से कम चाहिए। अगर तुम ये भी नहीं दे सकते, दिस बैच फॉर नॉट फॉर यू। मुझे अगर एक भी बच्चा फेल हुआ ना, मैं पढ़ाने छोड़ दूंगा यार। मुझे सिर्फ सीरियस स्टूडेंट चाहिए जो पास होने के लिए पूरे पागल है। मैं नहीं चाहता एक भी बच्चे का लॉस मेरी वजह से हो, और मैं नहीं चाहता मेरी इमेज खराब हो उन अलायक बच्चों की वजह से जो पढ़ते नहीं हैं। तो अगर मुझे कंपैटिबिलिटी लगी तुम्हारे साथ कि हाँ यार तुम सीरियस हो, 100% पास होना है, ये तुम्हारी लाइफ का लास्ट अटेम्प्ट बनाना है, दिस बैच फॉर यू। और 5100 में आपकी तीनों सब्जेक्ट चैप्टर वाइज टेस्ट के साथ, बुक्स के साथ, वीडियो लेक्चर्स के साथ मैं कंप्लीट करा के दूंगा सब कुछ, लेकिन आपको अपना 100% देना है। क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपकी मार्कशीट एनालाइज करूंगा, आपसे कंडीशन लूंगा। अगर सीट अवेलेबल रही तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स हैं। अब 90,000 स्टूडेंट में से अगर 50 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं तो थोड़ी बहुत क्वेश्चंस पूछूंगा, और मुझे लगा कि हाँ तुम परफेक्ट हो, मैं कहूँगा हाँ तुम ज्वाइन कर लो, तुरंत कर लेना, क्योंकि सीट अगर फुल हो गई तो मैं एक भी बच्चा नहीं बढ़ाने वाला। मुझे 100% क्वालिटी पे काम करना है कि भैया आओ इज्जत से पास होके जाओ। मुझे फेल वर्ड अपनी डिक्शनरी में रखना ही नहीं है, मेरे को एक ही चीज़ चाहिए, सक्सेसफुल 100% रिजल्ट। ठीक है, अब इसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं 6 to 8 hours पढ़ने वाला हूँ,
राइट, और मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई 20 डेज मैं पढ़ने वाला हूँ। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भाई मैं एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ूँ। तो एक दिन में तुम्हें लेट सपोज प्रैक्टिकल होगा और थ्योरी होगा, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, तुम्हारा एक है अकाउंट और एक है लॉ। तो अगर इसमें दो क्वेश्चन रख लेते हम कि भैया प्रैक्टिकल मेरा वीक है और मेरा थ्योरी स्ट्रांग है, और एक है जी प्रैक्टिकल स्ट्रांग है थ्योरी वीक है, तो भाई एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारी प्रैक्टिकल वीक है तो डेली 5 to 8 क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं, राइट। और थ्योरी अगर अच्छा है तो इसके भी 3 to 4 क्वेश्चंस डेली सॉल्व कर रहे हैं। कितना टाइम देना है, मान लो तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो अगर प्रैक्टिकल वीक है तो 3 to 4 आवर्स तुम्हें प्रैक्टिकल को देना है सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग, जिस समय तुम्हारी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई रहती है, और जिस समय तुम थ्योरी पढ़ोगे उस समय थोड़ा सा ध्यान से देखना कि तुम्हें 2 to 3 आवर्स इसके ऊपर देना है, मतलब 60 to 40% का आपको रेशियो रखना है। यही प्रैक्टिकल और थ्योरी में भी आपको करना है। एक क्वेश्चन और आता है कि सर हमें अभी कैसे प्लान करना चाहिए, तो देखो मैंने वो बता दिया सर, डे टाइम बेस्ड होता है कि नाइट टाइम बेस्ड होता है, किस समय पढ़ें। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, विस टाइम यू फील हाई एनर्जेटिक, जिस समय तुम्हारी इफिशेंसी बहुत अच्छी है, जिस समय तुम्हें लगता है कि भाई इस समय मेरा फोकस सबसे हाई रहता है, उस समय पढ़ने बैठो। लेकिन सर हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है सर, हम नहीं कर पा रहे सर, तो अगेन मैं कहूँगा इफ़ पॉसिबल, और अगर तुम्हें सीट मिल जाए तो इस बैच में 100% ज्वाइन करना, और अगर नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए एक गिफ्ट और दूंगा। आप मुझे जाएंगे और व्हाट्सएप पे लिखेंगे सर मुझे दीपावली गिफ्ट दे दो एडवांस अकाउंट का, तो दीपावली गिफ्ट आप जब बोलोगे तो ये PDF मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। ये रहा तुम्हारा दीपावली गिफ्ट, और ये PDF मैं तुमको फॉरवर्ड कर दूंगा कि जाओ और पढ़ो और पास हो जाओ, ठीक है। और 1 नवंबर से इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई फीस नहीं है। मैं ऐसे ही बहुत सारे PDF रिविज़न नोट्स रिविज़न क्लिप्स अपने बैच के अंदर करवाता हूँ, तो ये तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है एज अ दीपावली गिफ्ट। जाओ ढंग से पढ़ो और पास हो जाओ, इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RTP MTP के जो करने चाहिए। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये अटैम्प्ट मेरी लाइफ का लास्ट अटैम्प्ट होना चाहिए, और तुम्हें लगता है कि भाई मैं फेल हो के थक गया हूँ, इस बार मेरा लास्ट बार होना चाहिए CA रिजल्ट आर या पार, और या तो मैं CA बनूंगा या तो CA छोड़ दूंगा, देन 100% दिस बैच फॉर यू, और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी है ज्वाइन करने की। तो फटाफट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, सीट अवेलेबल है, कंडीशंस फुलफिल कीजिए, अगर मुझे लगता है यू आर एलिजिबल देन आई विल सेलेक्ट यू एंड यू कैन स्टार्ट विथ मी फॉर 100% रिजल्ट। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।